हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैथ किंग मेकर कंसेप्ट फोकस। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई वैदिक मैथमेटिक्स। बहुत लेंदी लेंदी प्रोसेस आपने पढ़े हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, क्योंकि 4 डिग्री का इक्वेशन है तो यहाँ पे इसको सोल्व करने में पसीने छूट जाते हैं, करीब 15 से 20 मिनट और आधा घंटा तक भी लग जाता है, बट आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन में ही यूज कर सकते हो आप इसको। जैसे ये इक्वेशन है एक्स प्लस एम प्लस एन टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस एम माइनस एन टू द पावर 4 इज इक्वल टू पी, तो वहां पे आप इस तरह की इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो फॉर्मूला याद रख लो, तरीका याद रखना चाहते हो तो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो भूला भी जा सकता है बट तरीके याद रखते हैं हमेशा। तो देखो इसमें आप एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे x प्लस सेवन और x प्लस फाइव, x प्लस सेवन को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि x प्लस सिक्स प्लस वन, और x प्लस फाइव को मैं लिख सकता हूं इस तरह से x प्लस सिक्स माइनस वन। तो देखो हमने यही फॉर्म बना ली यहाँ पे, x प्लस एम प्लस एन, x प्लस एम माइनस एन, ये m प्लस एन हो जाएगा, ये m माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि m की जगह पे 6 है, n की जगह पे 1 है, ठीक है। m की जगह पे 6 है, n की जगह पे 1 है, और p की जगह पे क्या रखा है यहाँ पे, p की जगह पे है 706, तो p की जगह पे 706 है। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में रख के भी आंसर निकाल सकते हो, x की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस एम प्लस माइनस, यहाँ पे वैल्यू रख दो एम टू दावर 4 टू पी अंडर रूट करके, फिर उसको अपॉन 2 करोगे प्लस माइनस करके, तो यहाँ पे आपको 4 जीरो यहाँ पे मिलेंगे। बट तरीका मैं यहाँ पे, तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, उस तरीके को कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूं आपको। देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस सिक्स प्लस वन टू द पावर 4 प्लस। तरीका अच्छे समझने के लिए लेक्चर को पूरा देखना बहुत जरूरी है, तो पूरा देखिए लेक्चर को। x प्लस सिक्स प्लस वन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैंने लिखा x प्लस सिक्स माइनस वन टू द पावर 4 इज इक्वल टू 706। तो अब देखो x प्लस सिक्स को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, किससे रिप्लेस कर देता हूँ, a से रिप्लेस कर देता हूँ। तो x प्लस सिक्स को हम यहाँ पे a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस वन टू द पावर 4 प्लस a माइनस वन टू द पावर 4 इज इक्वल टू 706। अब जब इसका बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंशन करोगे तो देखो ये a प्लस वन टू द पावर 4 है, a माइनस वन टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे जो ओड पावर्स वाली जो टर्म है दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अगर इसका बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंशन करोगे तो आपकी ओड पावर वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, तो जब उनको ऐड करोगे आप तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 2a टू द पावर 4। देखो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम कैसे काम करती है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2a 4 प्लस 12a² और प्लस 2 इज इक्वल टू 706। तो अब आप क्या देख रहे हो, उसको बहुत सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है ये a टू द पावर, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगी a टू द पावर 4 प्लस 6a² और यहाँ पे बन जाएगा आपका, इसको 706 को इधर ले आओ, 352 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही काम करेगी, तो यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सोल्व कर सकते हैं। पीछे तरीका मैंने आपको बताया, पिछले लेक्चर में आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करोगे आप तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16 और माइनस 22, तो ए स्क्वायर के मतलब इस ए स्क्वायर की दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी, 16 आ जाएगा और माइनस 22। अब देखो 16 अगर ए स्क्वायर अगर 16 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, बट हमें वैल्यू तो एक्स की निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 यानी कि ए की वैल्यू है एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपको x की मिल गई -2 और -10। अब अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू -22 है तो यहाँ पे
ये देखो पहली चीज है कि ये इमेजिनरी वैल्यूज होंगी सारी, क्योंकि जब a निकालोगे तो वो आएगा -22 अंडर रूट, ठीक है। तो ये हायर लेवल की चीजें हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे, इसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं हम। तो यानी कि ये जो है कैसे रूट्स हैं, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू -22 अंडर रूट, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी -22 अंडर रूट, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस माइनस -22 अंडर रूट। और कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे हम, -6 प्लस माइनस आयोटा 22 अंडर रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। बाकी इस ये जो नंबर है कैसा है, ये रियल रूट नहीं है, ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। ओनली इसके दो ही रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -10। यहाँ पे आप आंसर रख के ये चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यूज अगर इसमें रखोगे तो ये आंसर आपका 706 मिलेगा आपको। अगर इसको यहाँ x की वैल्यू रखो -2 रखो तो 4 पावर करेंगे, इसको पावर 4 करेंगे तो आंसर आपका 706 ही आएगा। -10 से भी यही सेम आंसर आने वाला है, ओके। सो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर यहाँ पे आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंगमेकर।